हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, माय सेल्फ वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे सीए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग के रिवीजन लेक्चर्स। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट्स पूरी तरीके से रिवाइज करा पाऊँ। बेसिकली हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं सब कुछ आप लोगों को करा दूंगा, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिवीजन लेक्चर्स। इसमें मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों के साथ में यहाँ पर सॉल्व करूंगा और आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आपके जो भी डाउट्स हैं या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आती है, तो वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दूंगा, आप वहां पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट से बढ़िया ये रहता है कि आप कमेंट कर दीजिए, तो वो मैं इजीली उसको रिस्पॉन्स कर पाऊंगा, और आई एम डैम श्योर कि मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा ही दूंगा। ठीक है जी, तो अगर मैं आज से देखूं, आज है दैट इज योर संडे 5th जनवरी, तो 5th जनवरी से लेकर अब आप कह सकते हैं कि भाई मई के, आपको पता है डेट शीट आ गई है, 3rd मई से एग्जाम स्टार्ट है, और 3rd मई को आपका पहले पेपर अकाउंटिंग का होता है। तो कह सकते हैं कि सर रफली हमारे पास 117 दिन है, कितने जी, 117 डेज अवेलेबल। कैसे, जनवरी के आपके पास 27 डेज है, फेब के आपके पास 29 डेज है, मार्च के 31 डेज है, एंड अप्रैल के आपके पास 30 डेज अवेलेबल है। अप्रैल को तो मैं कह सकता हूं कि सर ये तो रिवीजन में आप निकाल दीजिए, इसमें आपको सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर हम देखें तो हमारे पास प्रिपरेशन के लिए जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम है, इफेक्टिवली 87 डेज अवेलेबल है हमारे पास। अब इस 87 डेज को हमें कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है कि हम अपने कोर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाए। मैं एक एजम्पशन ये लेके चल रहा हूं कि आपने एक बार अपना अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रखा है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आपने परफेक्टली पढ़ रखा हो, लेकिन एक बार पढ़ रखा होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल ही अभी तक टच नहीं कर रखा, फिर आप ये रिवीजन लेक्चर्स दे रखे हैं, तो आपका इसमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। एक बार आप लोगों को वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, चाहे आपने कहीं से भी कोचिंग ली हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं पड़ता। ये कोई भी लेक्चर, कोई भी पर्सन ये वीडियो देख सकता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि सारी चीजें मैं इंस्टीट्यूट क्यों उठाऊंगा, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल उठाऊंगा, इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशंस उठाऊंगा, वहीं से ही आप लोगों को बताऊंगा किस हिसाब से आपको अपने पेपर को प्रेजेंट करना है। जो बच्चों की दिक्कत आती है कि हमारे मार्क्स नहीं आ पाते, सी इंटर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर ही अकाउंटिंग का होता है। इसमें हम टारगेट करके चलेंगे 85+ मार्क्स। वैसे देखा जाए कि ग्रुप 1 में अकाउंटिंग का पेपर एंड ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग का पेपर, दोनों में ही आपको 85+ का टारगेट करके चलना चाहिए। अभी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप 1 की स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो ग्रुप 1 में आप टारगेट रखेंगे सर 85+ मेरे को मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि अगर इसमें 85+ मार्क्स नहीं आए तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट कम रह सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि थ्योरी में एग्जाम मार्क्स इतने इजिली आ नहीं पाते। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। अब आपको मिलेगा क्या क्या, देखिए इस YouTube चैनल पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट क्रिएट हो जाएगी, जिसमें आपको रिवीजन लेक्चर्स मैं अपलोड करता चला जाऊंगा। आज जो कि संडे है, आज मैं आपको कुछ खास कुछ रिवीजन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न्स डिस्कस करूंगा, प्लस आपका जो कोर्स कंटेंट है वो डिस्कस करूंगा। आपकी जो नेक्स्ट रिवीजन वीडियो रहेगी दैट इज ऑन थर्सडे। अब आप थर्सडे को चैप्टर प्रिपेयर करके चलेंगे सिंगल एंट्री का। कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करके चलेंगे? सिंगल एंट्री का। मैं आपको हर वीडियो में आपको बता दूंगा कि अपकमिंग वीडियो क्या रहेगी और आपको उससे पहले क्या प्रिपेयर करके रखना है। तो थर्सडे वाली वीडियो से पहले आप लोगों को सिंगल एंट्री प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी मैं उसको अच्छे से डिस्कस कर पाऊंगा या उसका कोई रेलिवेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ सॉल्व कर पाऊंगा। अब बात आती है सर अकाउंटिंग की तैयारी कैसे करें। देखिए, आपको डेली मॉर्निंग के 2 आवर्स इस पेपर को देने हैं, डेली मॉर्निंग के 2 आवर्स इस अकाउंटिंग के पेपर को देने हैं। इससे बेनिफिट ये होगा, देखो मॉर्निंग में उठ के पढ़ोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है एज कंपेयर टू लेट नाइट स्टडी। कुछ लोग लेट नाइट स्टडी प्रेफर करते हैं, वो भी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉर्निंग की स्टडी एज कंपेयर टू लेट नाइट स्टडी इफेक्टिव ज्यादा रहती है, बिकॉज ऑफ लेस डिस्ट्रैक्शंस।
मॉर्निंग में डिस्ट्रैक्शंस होती है कम, रात को तो डिस्ट्रैक्शंस होती ही होती हैं, कोई ऐसी इश्यू नहीं है, लेकिन जैसा भी आप अपने आप कंफर्टेबल लगे आपको उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मॉर्निंग में ही पढ़ना है, कुछ लोग अगर रात प्रेफर करते हैं तो रात को भी पढ़ाई हो सकती है, नो इश्यू इन दैट। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं तो मॉर्निंग को प्रेफर करा करता था। उठते ही आपको सबसे पहले अपने अकाउंटिंग के पेपर को 2 घंटे देने हैं। अगर आप मॉर्निंग में 6 AM उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, तो कोशिश कीजिए 6 से 8 का जो टाइम है आपको अकाउंटिंग के पेपर को देना ही पड़ेगा। मॉर्निंग में उठ के अगर आप पढ़ लो लॉ, मॉर्निंग में उठ के पढ़ लो आप ऑडिट, इवन कॉस्टिंग भी पढ़ लो, आपको नींद आएगी, बोरिंग फील होगा। अकाउंटिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, उसमें आपको नींद आने के चांसेस नहीं रहते, इजी हो जाता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो वो इजीली आपका टैकल हो सकता है। तो मॉर्निंग के आपको ज्यादा नहीं, 2 घंटे ही आप अकाउंटिंग को देंगे तो आपका काम बन जाएगा। एग्जामिनेशन तक ये अप्रोच रखिए कि मेरे को सुबह उठते सबसे पहले अकाउंटिंग पढ़नी है, बाकी पूरे दिन आप जो मर्जी कीजिए, चाहे आप एक सब्जेक्ट पढ़िए पूरे दिन में या आप दो सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन मॉर्निंग के 2 आवर्स का स्लॉट आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे अकाउंट्स के पेपर को देना है। ठीक है जी, चलिए अब आपको पढ़ना क्या क्या है, आपका स्टडी मटेरियल क्या क्या होना चाहिए। देखिए आपने जहां से भी कोचिंग ले रखी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। उसमें आता है ICAI का स्टडी मटेरियल, बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना। ICAI का स्टडी मटेरियल यू मस्ट हैव टू डू। वैसे तो जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, सब ICAI के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जरूर अपनी बुक में डालते हैं, इवन मैं भी डालता ही हूं, लेकिन अगर कोई नहीं डाल रहा तो इसलिए रिस्क नहीं लें, तो इसलिए हमें ICAI का स्टडी मटेरियल जरूर एक बार करके चलना है। प्लस इसके साथ साथ आपको पास्ट 4 अटेम्प्ट के RTP जरूर करने हैं। पास्ट 4 अटेम्प्ट कौन से? एक जो नवंबर 19 अटेम्प्ट गया वो, उससे पहले के मई 19, नवंबर 18 एंड मई 18, ये पास्ट 4 अटेम्प्ट के आपको RTPs जरूर करने हैं, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं अच्छे खासे। प्लस जो पास्ट एग्जाम हुए हैं उनके 2 पेपर्स आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सजेस्टेड आंसर जिसे हम कहते हैं, नवंबर 19 का और मई 2018 का। ये इंस्टीट्यूट की स्टडीज है, दिस इज योर इंस्टीट्यूट स्टडीज, ये आप लोगों को जरूर करनी है, इसको नहीं छोड़ना। क्या बताया मैंने, ICAI का स्टडी मटेरियल, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चंस है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, उनमें से क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट भी आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप लोगों को वो जरूर करने हैं। प्लस पास 4 अटेम्प्ट के RTPs और पिछले 2 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर जरूर एक बार को आपको करके चलने पड़ेंगे। उसके बाद जो आपका मई 20 अटेम्प्ट का RTP रहेगा, जो भी आएगा, रिलीज होगा अभी उसमें 1-2 महीने बाद, वो मैं आप लोगों को यहीं पर ही आपको पूरा सॉल्व करके प्रोवाइड कराऊंगा। प्लस इंस्टीट्यूट जो मॉक टेस्ट पेपर इश्यू करता है वो भी, उसके भी जो हिंट आंसर्स वगैरह है वो मैं आप लोगों के साथ यहीं पर ही डिस्कस करूंगा, वो आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए, उसके लिए मैं श्योरिटी देता हूँ कि वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। और मेरा पूरी प्लानिंग रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले, एग्जाम से एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले, मैं आपको एक रिवीजन मैराथन भी प्रोवाइड कर दूं, जिसमें हम पूरे कोर्स को कुछ लंबी जर्नी में या कुछ घंटों में पूरे कोर्स को रिवाइज करेंगे एट अ स्ट्रेच। वो वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अब आपको क्या क्या करना है, देखिए आपको जैसा कि मैंने बोला कि डेली 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा है व्हाट एवर इट मे बी, उसको जरूर एक बार रिवाइज करना है। अब बात आती है, सर अगर हमारा कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए मैं बैठा हूं, मैं आप लोगों के साथ यहां पर कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, प्लस उसके क्वेश्चंस करेंगे जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चन रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा, वो इम्पॉसिबल सी बात है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो मैं आप लोगों के साथ एक डिस्कस करूंगा, उससे आपको पैटर्न मिल जाएगा कि उस चैप्टर में या उस टॉपिक में है क्या क्या। ठीक है जी, अब अगली चीज है कि सर वेटेज क्या है, पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न किस हिसाब का आता है। तो अब आप लिखिए पेपर पैटर्न, देखिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि सर इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न क्या है। हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हमारे पढ़ाई करने का एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। मेरा ये मानना है कि जब तक आप एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से पढ़ाई नहीं करेंगे वो पढ़ाई इफेक्टिव नहीं रहती। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट की क्या सोच है और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूट की सोच और आपकी डायरेक्शन मिलती है तो आप लोग क्लियर कर जाएंगे, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है और इंस्टीट्यूट कुछ और मांग रहा है तो क्लियर करना मुश्किल है। तो हमें उस सोच पर जाना है। अब वो सोच क्या है, इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न। आप ये कुछ ऐसा सेट पैटर्न नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने दे रखा कि ऐसा पैटर्न है, ये मैंने कुछ एनालाइज करके पास्ट कुछ पेपर्स को देख के एक पेपर पैटर्न बना रखा है जैसे इंस्टीट्यूट जनरली पूछता है।
देखिए जो क्वेश्चन नंबर वन होता है आपका, दैट इज योर कंपलसरी क्वेश्चन, ये आपका इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जो आपको करना ही करना है, कंपलसरी क्वेश्चन है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो एक चीज तो पहले ही एलिमिनेट होगी सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन में आता है। उसके बाद के जो आपके क्वेश्चन है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन टोटल 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं 20 मार्क्स ईच। इन 5 क्वेश्चंस में से आपके पास चॉइस होती है डू एनी 4, 20 नंबर का एक क्वेश्चन। अब ये 20 नंबर ऐसे नहीं है कि 20 नंबर का एक अकेला क्वेश्चन आएगा, इसमें दो सब पार्ट्स होते हैं, पार्ट नंबर ए पार्ट नंबर बी। ये कैसे कैसे होते हैं, इसमें इंस्टीट्यूट 10-10 नंबर के भी क्वेश्चन पूछता है, इंस्टीट्यूट 12-8 नंबर के भी क्वेश्चन पूछता है, 16-4 नंबर के भी क्वेश्चन पूछता है, 15-5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि हमें कैसे क्वेश्चन पूछना है, डिपेंड करता है कि टॉपिक का कितनी वर्थ है, कितना उसमें से मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इंस्टीट्यूट आपका हर क्वेश्चन में दो पार्ट जरूर पूछेगा। और एक क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी स्पेशल चॉइस रहती है, इसमें आपके पास एनी 5 पार्ट्स करने होते हैं आपको 4 मार्क्स के, या एनी 4 पार्ट्स 5 मार्क्स के। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंटरनल चॉइस अवेलेबल होती है, इस क्वेश्चन में आपके पास इंटरनल चॉइस अवेलेबल रहती है। कोई भी 5 पार्ट्स कर लीजिए 4-4 नंबर के, या कोई भी 4 पार्ट्स कर लीजिए 5-5 नंबर के, ये इंस्टीट्यूट इंटरनल चॉइस देता है। तो ये क्वेश्चन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि कभी भी आपको क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको जो चॉइस रखनी चाहिए वो रखनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 में से। लेकिन अभी वो लास्ट का मैटर है, मैं आपको एंड में ये जरूर बताऊंगा कि इंस्टीट्यूट के इस बार के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हैं, वो जरूर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी शेयर करे थे और बच्चों को वो वीडियो पसंद आई थी, आप जाके मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें देख भी सकते हैं उस वीडियो को। प्लस उसमें से पेपर लगभग ये लगा लीजिए 75-80% आपका मैच करता हुआ पेपर आया था, 75-80% मार्क अगर पेपर आ जाए सर बहुत बड़ी बात होती है, बिल्कुल मैच करता हुआ पेपर आया था कि सर इस क्वेश्चन में यही वाला पार्ट पूछा गया था इंस्टीट्यूट ने, ये मैंने कुछ एनालाइज करके दिया था और उससे बच्चों की काफी मदद हुई थी। इस अटेम्प्ट के लिए भी मैं कोशिश करूंगा, अभी नहीं, एंड में आप लोगों को जब आपका एग्जाम आने वाले होंगे उस टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। देखो अगर अभी मैंने बता दी तो वो चीज गलत है, अभी मैंने बता दिया तो आप लोग फिर उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे और बाद में अगर कोई दिक्कत हो जाएगी तो फिर आप ब्लेम करेंगे सर आपने ऐसा बताया था हमने तो उसको फॉलो कर लिया। तो अभी तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको सब कुछ एक बार करना है, कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो कि आपने छोड़ दिया हो, एक बार सब कुछ कर लीजिए। बाद का मैटर है सर कोई चैप्टर मेरा वीक रह गया, कोई चैप्टर मेरा परफेक्ट हो गया, वीक परफेक्ट देखो ये तो रहेगा ही रहेगा, सीए के एग्जाम्स है, कोई ये नहीं कह सकता कि 100% मेरा कोर्स हो गया, कुछ ना कुछ कमी रहती ही रहती है और वो जेन्युइन सी बात है। जब मैं पढ़ाई करता था मेरे साथ भी ऐसा होता था कि सर कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी, अब वो कमी रहना तो बहुत जेन्युइन बात है। ठीक है जी, अब आते हैं कि इंस्टीट्यूट ने कुछ मार्किंग स्कीम डिफाइन कर रखी है, वो मार्किंग स्कीम क्या है, ये पहले हमारे टाइम पे कुछ नहीं हुआ करता था लेकिन अब इंस्टीट्यूट आपको एक मार्किंग स्कीम देने लग गया, वो किस हिसाब से मार्किंग स्कीम है वो हम एक बार देखते हैं। देखिए ये आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ही अवेलेबल हो जाएगी, ये देखिए इंस्टीट्यूट कहता है कि जो 20 से 25 नंबर का पेपर है, 20 से 25% का, या 20 से 25 नंबर का आप कह सकते हो, 20 से 25 नंबर का पेपर है, वो इंस्टीट्यूट कुछ थ्योरी चैप्टर में आपका एक फ्रेमवर्क का चैप्टर आता है, वो फ्रेमवर्क का चैप्टर प्लस आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने आपके कोर्स में है, टोटल आपके कोर्स में 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से, एक AS1 है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये अलग से आपका चैप्टर भी है और इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, तो इसको हम जनरली चैप्टर के साथ ही डील करके चलते हैं। AS10 है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, AS11 है आपका इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, 12 हो गया आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स का, AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, इसका आपका अलग से चैप्टर भी है तो हम ये स्टैंडर्ड भी चैप्टर के साथ डील करके चलेंगे, और AS16 है आपका बोरोइंग कॉस्ट का। ये इंस्टीट्यूट के आपके कुछ स्टैंडर्ड्स है। देखिए कोर्स इस बार काफी रिड्यूस हो गया May 2020 अटेम्प्ट में, नवंबर तक कोर्स कंटेंट थोड़ा ज्यादा था तो इंस्टीट्यूट ने क्या करा, May 2020 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स कुछ टॉपिक्स को शिफ्ट कर दिया इन योर एडवांस अकाउंटिंग पेपर। तो मैं कह सकता हूँ कि अकाउंटिंग का जो कोर्स है वो कम हो गया है, और कम होने की वजह से
कोर्स कम होने की वजह से हर एक चैप्टर अब इंपॉर्टेंट हो गया। ऑब्वियसली कोर्स कम होगा तो हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, तो अब कह सकते हैं कि हर चैप्टर में से आपको पेपर में क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। पहले क्या होता था कि कुछ चैप्टर में से क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ नहीं किया, आपका हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कोर्स कम होने का मतलब ये नहीं होता कि सर रिलैक्सेशन मिल गई है, कोर्स कम होने का मतलब ये हो जाता है कि एवरी चैप्टर इज नाउ इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू ईच एंड एवरी चैप्टर, कोई भी आप छोड़ ही नहीं सकते। उसके बाद जो आपके 20 से 25 नंबर के टॉपिक्स हैं, ये जो आपके 20 से 25 नंबर के टॉपिक हैं, ये तीन टॉपिक्स बनते हैं आपके। कौन कौन से इसमें आपके आते हैं? एक तो ये आपका आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक, एक आता है आपका इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक, और एक आता है हायर परचेज का टॉपिक। ये तीन टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, हायर परचेज एंड इंश्योरेंस क्लेम, और कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 20 से 25 नंबर स्कोर करना इस एरिया में बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी इन तीन चैप्टर्स पे हिट करना चाहिए कि ये तीन चैप्टर मेरे अच्छे से हो जाए, क्योंकि इनमें से आप कुछ नहीं छोड़ सकते। उसके बाद 20 से 25 नंबर में फिर अगेन इंस्टीट्यूट के तीन टॉपिक्स हैं, दैट इज योर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग एंड सिंगल एंट्री। अब ये तीन क्या है, ये तीनों टॉपिक लेंथी है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग छोटा टॉपिक है, इसको मैं लेंथी नहीं कह सकता। ब्रांच अकाउंटिंग काफी वॉल्यूमिनस टॉपिक है, एंड सिंगल एंट्री अगेन ये भी लेंथी टॉपिक है। तो इन तीन लेंथी टॉपिक्स की भी वेटेज 20 से 25 नंबर है, और पिछले तीन जो भी हमने देखे इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस एंड हायर परचेज, वो छोटे छोटे टॉपिक्स की भी वेटेज 20 से 25 नंबर है। तो हमें इजी चैप्टर्स और छोटे चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स उन पे ज्यादा फोकस करके चलना चाहिए। बच्चा क्या होता है कि वो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं कि मैं ब्रांच के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा कर लूं, सिंगल एंट्री क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा कर लूं, कैश फ्लो की ज्यादा कर लूं, छोटे छोटे चैप्टर्स छूट जाते हैं, और बाद में पता लगता है कि सर इसमें तो पेपर आना था, वो हमारे छूट गए। तो ऐसी गलती आप लोगों के साथ ना हो, वो चीज मैं आप लोगों की यहाँ पर दूर करवा दूंगा। उसके बाद 32-35 मार्क्स की जो वेटेज रहती है, दैट इज योर कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक। इसमें आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, दैट इज शेड्यूल 3 का टॉपिक आएगा। मैनेजरियल रेमुनरेशन, ये बेसिकली क्या है, शेड्यूल 3 के साथ ही पढ़ लिया जाता है। इसमें शेड्यूल वी लगता है, सेक्शन 198 ऑफ द कंपनी एक्ट, ये चल जाएगा आपका। एक आपका एक छोटा सा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, बहुत ही बढ़िया टॉपिक और एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आता है, ये भी आपको जरूर करना चाहिए। बोनस इशू, राइट इशू, दोनों अगेन छोटे छोटे टॉपिक्स है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगेन इजी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इस टॉपिक की तो सर जितनी तारीफ कर दूं उतनी कम है। ये टॉपिक क्या था, नवंबर 19 अटेम्प्ट तक बहुत ही लेंथी टॉपिक हुआ करता था, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब मई 20 अटेम्प्ट के बाद इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें से डिलीट कर दिए, बिकॉज कंपनीज एक्ट के प्रोविजन चेंज हुए। तो इसकी वजह से अब ये चैप्टर तो बहुत आसान हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट इसे कहता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन आप देख लेना, इसमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है सर, तो ये हमारी कुछ इंस्टीट्यूट की मार्किंग स्कीम है। अब बात आती है कि सर क्या ये मार्किंग स्कीम इंस्टीट्यूट फॉलो करता भी है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% इंस्टीट्यूट इस मार्किंग स्कीम को फॉलो करेगा, लेकिन काफी हद तक ये फॉलो हो जाती है। अब इंस्टीट्यूट ने दे दी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों फॉलो नहीं की जाती है, तो ये कुछ लिमिटेशंस ही कह सकते हैं आप, लेकिन काफी हद तक मैं कहता हूं कि फॉलो हो जाती है। तो हमें इस पे नहीं जाने कि इंस्टीट्यूट क्या मार्किंग स्कीम रख रहा है, फिर भी एक बार हमें देखना जरूरी था कि इंस्टीट्यूट की सोच क्या है। अब उस सोच के हिसाब से आप अपने प्लान बना सकते हो, आप अपनी डायरेक्शंस पर जा सकते हो, हम भी उसी हिसाब से काम करेंगे। ठीक है जी, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट विल बी योर सिंगल एंट्री। हम जो स्टार्ट करेंगे, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर? सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देखिए, इसमें से क्वेश्चन आपको एक बड़ा क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में देखने को, 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 12 का भी आता है, 15 का भी आता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो ये चैप्टर आप लोग हम डिस्कस करेंगे आपके साथ थर्सडे वाली क्लास में। तो थर्सडे वाली क्लास में आप लोग इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा। मैं क्या करूंगा, आपको इसमें कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, प्लस एक क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा, ताकि ये सब्जेक्ट आपका, चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इसी हिसाब से हमारी क्या होगी, जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। कि सर हर वीडियो में आपको बता दिया करूंगा कि अगली वीडियो में क्या होना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से चलती चली जाए। ज्यादा टाइम दोबारा मैं कह रहा हूं आप लोगों से मैं नहीं मांग रहा, सिर्फ दिन के 2 घंटे फॉर योर अकाउंटिंग पेपर, एंड अकाउंटिंग में आप देखेंगे कि आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे।
और आपको ग्रुप क्लियर करने में ये पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स वगैरह का भी कुछ बेनिफिट हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी अगर आपके डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लस आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं वहां पर भी आपको उसके रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे थर्सडे वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।